सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी सेटन्स लेब को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर हम इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो ये 6.6 आउट ऑफ 10 है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। अब इस कहानी की शुरुआत 1981 में रीनी नाम की लड़की से होती है, जो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अब रीनी की फैमिली में है उसकी दादी, उसके पापा और उसकी माँ। अब गाइस, रीनी की मोम पिछले लगभग 3 सालों से किसी मिस्टीरियस इलनेस के कारण बिस्तर पर थी। इसी वजह से उन्हें एक बेल दी गई थी, वो बेल बजाकर दूसरे फैमिली मेंबर्स को मदद के लिए बुला सकती थी। अब रीनी के 3 भाई भी होते हैं, टोनी, बोंदी, आयान। अब गाइस, आयान यहाँ बोल नहीं पाता था तो सभी उससे साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे। अब इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि इनके ज्यादातर पैसे रीनी की माँ के इलाज में खर्च हो गए थे। अब ऐसे ही एक दिन जब रीनी को बेल की आवाज सुनाई देती है और वह अपनी मोम को देखने जाती है, तब उसकी मोम छत की तरफ देख जोर जोर से घंटी बजा रही थी, जैसे वह आने वाले खतरे के बारे में कुछ बताना चाहती हो। खैर, उसी दिन रात में टोनी अपनी मोम के रूम में आता है उनके बाल कोम करने, पर जैसे ही वो कोम करता है उनके बाल उसके हाथों में आने लगते हैं। पर तभी रूम की पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल जाती है। टोनी उसे बंद करता है और मुड़कर अपनी मोम की तरफ देखता है। वह कुछ इस तरह से उसे देख रही थी, जिन्हें देख टोनी भी घबरा जाता है। और डिनर के बाद रीनी देखती है उसके डैड मोम को धीरे से कुछ कह रहे थे, पर क्या ये रीनी नहीं सुन पाई। अब रात में सोते समय रीनी को एक सपना आता है कि मोम बेल बजा रही है, और वह जब उनके पास जाती है वह सरप्राइजिंगली खिड़की के पास खड़ी थी। और जब रीनी उसका चेहरा देखती है, वहाँ पर उसकी मोम तो होती है पर उसकी स्किन पूरी तरह से व्हाइट थी। और तभी रीनी की नींद खुल जाती है और अब उसे एक्चुअल में बेल सुनाई देती है। वह फिर से मोम के रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मोम सच में खिड़की के पास खड़ी थी। पर इस बार रीनी जैसे ही उन्हें हाथ लगाती है वह एकदम से नीचे गिर जाती है। असल में वो खड़े खड़े ही मर चुकी थी, पर उनके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह के द्वारा किसी ने उनकी आत्मा को ही खींच लिया हो। खैर, अब रीनी की मोम का फ्यूनरल किया जाता है। अब फ्यूनरल उस्ताद जी और उसके बेटे हेंद्रा द्वारा किया जाता है। यहाँ हेंद्रा और रीनी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब रीनी के डैड फैसला करते हैं कि वह शहर जाकर कोई काम करेंगे, क्योंकि इनको पैसों की बेहद जरूरत थी। पर रीनी कहती है, आप चले जाओगे तो हम आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब गाइस, यह 1981 का समय है, फोन वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे। रीनी के मना करने पर भी उसके डैड चले जाते हैं। अब धीरे धीरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जैसे टोनी को रेडियो में से अपनी ही माँ की आवाज सुनाई देना, और एक बार तो उसे अपनी मोम के रूम से बेल की आवाज भी सुनाई देती है। और जब वो चेक करता है बेल अपने आप हवा में बज रही थी। अब ऐसे ही रात में जब बोंदी और आयान वॉशरूम करने जाते हैं, उन्हें अपनी मोम की तस्वीर के सामने किसी के होने का एहसास होता है। पता लगाने के लिए ये लोग उसके ऊपर कपड़ा फेंकते हैं जो हवा में ही लटक जाता है, मानो उसके नीचे कोई खड़ा हो। ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। अब सभी घटनाओं को देखते हुए रीनी हेंद्रा से मिलने जाती है। वहाँ पर हेंद्रा रीनी को बताता है, जब मैं तुम्हारी मोम का फ्यूनरल कर रहा था मुझे एक डीमन की परछाई दिखी थी, और एक बार मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तब वही डीमन मुझे तुम्हारे घर में दिखा था। अब गाइस, हेंद्रा जब रीनी को ये सब बता रहा था तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दादी किसी को लेटर लिख रही थी और काफी घबराई हुई थी। और लेटर लिखते ही वो अपनी व्हील चेयर से एकदम खड़ी हो जाती है, और तभी सीन कट होता है। अब वापिस से हेंद्रा को दिखाया जाता है। अब हेंद्रा रीनी को एडवाइस करता है, तुम लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए, जिस पर रीनी उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है। अब हेंद्रा उन लोगों को अपने घर रहने के लिए इनवाइट करता है, पर रीनी उसे मना कर देती है और वापिस से घर की तरफ आती है। अब गाइस, अगर आप मेरे साथ वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब दोबारा से एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। अब रीनी घर पहुंचती है और अपनी दादी को मिसिंग पाती है। यह देख बोंदी और रीनी दादी को घर में ढूंढना शुरू करते हैं, और तभी बोंडी दादी को कुएं में गिरी हुई मिलती है। Meanwhile, she is dead now. अब रीनी सभी आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है और दादी का भी फ्यूनरल किया जाता है। अब दादी के गुजर जाने के बाद बोंडी काफी बीमार रहने लगा था, और वो सोते समय हमेशा यही बड़बड़ाया करता था कि मैं अपने छोटे भाई को नहीं मारना चाहता, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। अब गाइस, बोंदी को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी आत्मा ने पोजेस किया हुआ हो। अब इसी के बीच रीनी को दादी द्वारा छोड़ा गया लेटर
लेटर मिलता है जिस पर एक जगह का एड्रेस लिखा गया था। अब रिनी हेंद्रा के साथ उस जगह पर जाती है जहां पर ये लोग बुद्धिमैन नामक व्यक्ति से मिलते हैं। अब बुद्धिमैन इन्हें बताता है, मैं और तुम्हारी दादी स्कूल टाइम से ही बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब रिनी बुद्धिमान से लेटर के बारे में पूछती है, तब बुद्धिमान उसे एक सच्चाई बताता है कि तुम्हारे मॉम और डैड की शादी को काफी समय हो गया था पर उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था और उन्होंने कई जगह पर जाकर भगवान से भी प्रार्थना की थी, पर तभी रिनी कहती है, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बुद्धिमान जवाब देता है, तुम पैदा जरूर हुई थी पर भगवान की मर्जी से नहीं बल्कि शैतान सेटन की मर्जी से। मैं तुम लोगों को इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, अगर और जानना चाहते हो तुम मेरा लिखा हुआ ये आर्टिकल ले जाओ। अब ये लोग आर्टिकल लेकर चले जाते हैं। अब गाइस आर्टिकल ही क्यों, बुद्धिमान उन्हें खुद भी तो सच्चाई बता सकता था पर उसने क्यों नहीं बताई, ये बात का भी एक कारण है जो हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। अब घर में पहुंचकर टोनी और रिनी आर्टिकल को पढ़ते हैं। असल में गाइस इस आर्टिकल में इनकी माँ की स्टोरी ही लिखी गई थी कि एक लेडी को 10 सालों तक कोई संतान न होने के कारण वह एक कल्ट से मिलती है जो शैतान सेटन के स्लेव थे। अब सेटन उसकी इच्छा तो पूरी कर देता है पर सेटन किसी की भी इच्छा को बिना किसी मतलब से पूरा नहीं करता। यहाँ पर भी सेटन की एक शर्त थी कि बस सभी बच्चों में से आखिरी वाले बच्चे को ले जाएगा जब वह 7 साल का होगा और इनकी फैमिली में आयान ही आखिरी बच्चा था जो 3 दिनों में 7 साल का होने वाला था। अब गाइस इनकी माँ ने यहाँ पर सेटन को ट्रिक किया हुआ था, वह ऐसे कि उसने अपने हर बच्चे को 7 साल का गैप डालकर पैदा किया था जिसमें ये होता था कि सेटन जब आखिरी 7 साल वाले बच्चे को लेने आता था तब उसकी माँ एक नए बच्चे को जन्म दे देती थी। अब ये लोग अपनी एज कैलकुलेट करते हैं, रिनी की एज 22, टोनी की 16 और बोंदी की 10 साल। पर यहाँ पर गाइस सेटन को इनकी माँ ने ट्रिक तो जरूर कर दिया था पर सेटन उसे भी नाइलाज बीमारी का शराब दे देता है। अब गाइस ये बात कर ही रहे होते हैं तभी आयान वहाँ आ जाता है और भूख लगने का इशारा करता है। अब रिनी उसे ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व कर ही रही थी तभी उसे अपनी दादी की आत्मा दिखाई देती है जिसे देख रिनी भी घबरा कर उस्ताद जी को घर बुलाती है। उस्ताद जी को घर में एक डीमन दिखता है तब वह इन लोगों को प्रे करने के लिए कहता है। अब गाइस यहाँ पर खास बात यह थी कि रिनी और इसकी फैमिली ने पिछले कई सालों से प्रे नहीं की थी। अब रिनी रात में प्रे करने लगती है पर वहाँ पर उसे वही डीमन दिखता है जिसका जिक्र हेंद्रा ने किया था जिसे देख रिनी काफी डर जाती है और अपने सभी भाई बहनों के साथ उस्ताद जी के घर चली जाती है और आर्टिकल की सारी बातें बताती है। अब अगले दिन सुबह हेंद्रा बुद्धिमान से मिलने जाता है ताकि वह बुद्धिमान से इन सब चीजों को रोकने का उपाय पूछ सके पर वह रिनी को घर पर ही छोड़ देता है क्योंकि उसके भाई काफी डरे हुए थे। खैर हेंद्रा बुद्धिमान से मिलता है और उसे सारी घटित घटना बताता है पर बुद्धिमान हेंद्रा को नया आर्टिकल देता है पर हेंद्रा यहाँ बुद्धिमान को असली सच्चाई बताने की जिद करता है। तब बुद्धिमान रेडियो की आवाज ऊंची करके उसके कान में धीरे से कुछ कहता है तो बस हेंद्रा सच्चाई पता लगाकर जल्दी से घर की ओर वापिस आने लगता है पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मारा जाता है। अब गाइस मेरे हिसाब से इसीलिए ही बुद्धिमान किसी को भी बोलकर सच्चाई नहीं बता रहा था बस तभी इन लोगों को आर्टिकल्स के द्वारा इन्फॉर्म कर रहा था पर हेंद्रा के जीत करने पर बुद्धिमान ने सच्चाई बताई और हेंद्रा मारा गया। खैर अब हेंद्रा की डेड बॉडी कुछ लोग घर लेकर आते हैं जहां पर हेंद्रा की पॉकेट से आर्टिकल नीचे गिरता है जिसे रिनी उठा लेती है। अब हेंद्रा का भी फ्यूनरल किया जाता है। उसी दिन रात को रिनी के ऊपर हेंद्रा जैसे दिखने वाला डीमन हमला करता है। अब रिनी को उसके भाइयों द्वारा बचा लिया जाता है और तभी इनके डैड भी वहीं आ जाते हैं। वह सभी को घर लेकर जाते हैं। अब घर में रिनी अपने डैड को ग्रैंडमा के गुजर जाने की खबर देती है जिस पर उसके डैड काफी रोते हैं। फिर रिनी अपने डैड से पूछती है, आपने उस दिन मॉम को ऐसा क्या बोला था जो वह उसी रात गुजर गई, जिस पर डैड कहते हैं, मैंने उसे कहा था कि तुम्हारी वजह से बच्चे पहले ही काफी सफर कर चुके हैं, उनका और सफर करना ठीक नहीं होगा। इनडायरेक्टली वह रिनी की मॉम को मरने के लिए कह रहे थे जिस पर जवाब में रिनी कुछ कहती पर तभी हमें टोनी का सीन दिखाया जाता है। वह आयान को वॉशरूम तक लेकर आता है पर तभी दरवाजा बंद हो जाता है। पर वह जब दरवाजा तोड़ अंदर जाते हैं आयान को पकड़े एक डीमन कुएं में कूद जाता है। उसके डैड किसी तरह से आयान को उस कुएं से बाहर लेकर आते हैं।
पर तभी दादी की व्हीलचेयर सीधा उड़ते हुए आती है, जिससे बोंदी और आयान को छोड़कर सभी एक कमरे में कैद हो जाते हैं। अब बोंदी और आयान पर वही डीमन हमला करता है और वह आयान को अपनी तरफ खींचने लगता है। आयान इशारे में बोंदी को बताता है आई लव यू, जिससे बोंदी का पोजेशन टूटने लगता है और वह आयान को बचा लेता है। तभी सब शांत हो जाता है और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तब हम व्यूअर्स को बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर हर जगह सेटन्स लिप्स घर को घेरे खड़े थे और वह कुछ बीजों को उनके घर के आसपास बिखेर कर चले जाते हैं। अब सुबह हो जाती है जहां सभी पैकिंग कर रहे थे। अब ये लोग इस घर में और नहीं रहना चाहते। यहाँ पर ये लोग आयान को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज रात 12 बजे वह पूरे 7 साल का हो जाएगा। तभी उस्ताद जी भी इनके घर आते हैं और माफी मांगते हैं कि उस रात वह इनकी कोई मदद नहीं कर पाए। खैर अब सभी टैक्सी का वेट कर रहे थे, पर सुबह से रात हो जाती है, कोई टैक्सी नहीं आती। फिर कोई और चारा ना होने की वजह से सभी सोने चले जाते हैं। पर तब रीनी को वो आर्टिकल याद आता है और जब वह उस आर्टिकल को पढ़ती है तब खुलते हैं असली पत्ते। असल में गाइस पिछले आर्टिकल में लिखा था कि सेटन स्लेव्स आखिरी बच्चे यानी आयान को 7 साल का होते ही ले जाएंगे, पर उसमें ये नहीं लिखा था कि वो आखिरी बच्चे आयान को क्यों लेकर जाना चाहते हैं। असल में आखिरी बच्चा यानी आयान सेटन का ही ऑफस्प्रिंग है, मतलब उसी का ही वंशज है। 7 साल का होने पर वह लिविंग डेड यानी मुर्दों की सेना को लीड करेगा। अब पिछली रात सेटन स्लेव्स ने जो बीज गिराए थे उन्हीं के माध्यम से सभी मुर्दे एक बार फिर से जिंदा होंगे। अब गाइस जो एक डीमन था जो आयान को मारने की कोशिश कर रहा था वह इन्हीं की दादी की आत्मा थी। उसे आयान की सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था। दादी की आत्मा को तो रीनी ने भी देखा था। अब ये सब रीनी टोनी को बताती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके पूरे घर को लिविंग डेड्स द्वारा घेर लिया जाता है। अब गाइस यहाँ पर आयान इनसे बात कर रहा था। जी हाँ, आयान हमेशा से ही बात कर सकता था और वह इतने सालों से चुप रहा था इसी दिन के इंतजार में। अब उस्ताद जी को भी इन ज़ॉम्बीज द्वारा मार दिया जाता है। अब सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजे को खुलने से एक अदृश्य शक्ति रोके हुए थी। और जब रीनी मिरर में देखती है उसे अपनी दादी दिखती है, पर तभी बुद्धिमान आ जाता है और इन्हें अपनी गाड़ी में भगा कर ले जाता है और कहता है आयान को भूल जाओ, वह ना तो कभी किसी का भाई था और ना ही किसी का बेटा। तभी सीन कट होता है और अगला सीन हमें एक साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर रीनी को दिखाया जाता है। उसकी पड़ोसी उसके लिए खाना लेकर आई होती है। अब उसकी पड़ोसी अपने घर में आती है जहां पर उसका पति उसे कहता है इस बार इनके ऊपर अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी। और एंडिंग में हमें वही बीज दिखाए जाते हैं जो उस रात उन स्लेव्स ने इनके घर के आसपास फेंके थे, और तभी मूवी खत्म हो जाती है। अब गाइस ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।